हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ब्रेड पकौड़ा स्टिक्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो स्टार्ट करेंगे बनाने। एक बाउल में ये देखिए, एक कटोरी भर कर मैंने ये बेसन की ऐड करी। स्टिक्स हमारी बहुत क्रिस्पी बने, तो ये डेढ़ चम्मच, एक और आधा चम्मच ये सूजी का मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक का छोटा सा पीस, हरी मिर्च और चार पांच कलियां लहसुन की, इसका मैंने इस तरह से दरदरा सा पेस्ट बनाया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे ये सेसमी सीड्स, यानी कि सफेद वाले तिल, एक छोटा चम्मच। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा स्टिक्स में। और ये है मेरे पास 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा, इससे हमारे जो स्टिक्स हैं उसमें क्रिस्प बहुत बढ़िया आएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 पिंच जितनी, बस इतनी ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सिर्फ कलर के लिए। ज्यादा हमने हल्दी पाउडर नहीं डालना, उससे फिर हमारी स्टिक्स का कलर रेड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने डाला गरम मसाला, 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे ऑयल, धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया मिक्स हर्ब्स, और ऐसे ही हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। बैटर हमने बनाया है उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब ये ब्रेड है, इसकी हम ये छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की, ये देखिए इतनी पतली स्ट्रिप्स मैंने कट करी हैं। एक पीस की 6 स्ट्रिप्स हैं, ये 6 स्ट्रिप्स हैं कट करी हुई। ये बैटर देख लेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है बना हुआ। अब इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। ऑयल को प्रीहीट कर लेंगे। अब ये देखिए एक एक स्टिक को इस बैटर में हम डिप करेंगे अच्छे से, और ऑयल में इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए स्टिक्स के साथ सर्व करने के लिए 2 तरह की मेयोनीज बना लेंगे। ये मैंने 2-2 चम्मच मेयोनीज रखी हैं। इस एक में तो मैंने ये डाली हरी धनिया पुदीने की चटनी, और ये मिक्स कर लेंगे। एक में डाल देंगे ये टमेटो सॉस 2 चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे मिक्स हर्ब्स डाल देंगे, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। ये हमारी स्पाइसी सी मेयोनीज बन गई। इधर ये हमारी स्टिक्स भी बनकर रेडी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं बहुत ही। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने से पहले थोड़ा सा ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रिस्पी ब्रेड स्टिक्स बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हैं। जरूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।